देखिए, अब जो है ये केवल एक भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, अब जो ये बन गई है ये हमारे जमीर और आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। एक तरफ वो तो पैसा देखे, भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। एसआई में सेलेक्ट हुए, डीवी पीएचटी में सेलेक्ट हुए, चाहे वो 100 है, चाहे 500 है, चाहे 10,000 है। एक तरफ वो जिसने 4-5 साल गरीब माँ बाप के वो बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ संपत्ति बेच के किसी ना किसी तरीके से कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, एक तरफ वो है, और उस मेहनती की सी। विवेक सर जिंदाबाद, विवेक सर जिंदाबाद, बोल 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 जिंदाबाद, विवेक सर जिंदाबाद, विवेक सर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, विवेक सर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो विवेक सर हम तुम्हारे साथ हैं। उसके सामने से और छाती ठोक कर बोल कर कि जो तुझ पे उखड़े उखाड़ ले, एक पैसे देने वाले ने छीन ली। तो अब ये तुम्हारे उस आत्मसम्मान की लड़ाई है जिसके लिए गरीब हमेशा खड़ा होता है कि उससे कुछ भी छिन जाए उससे उसका जमीर और उसका आत्मसम्मान नहीं छिने। मैं हर एक उस व्यक्ति से, उत्तर प्रदेश के निवासी, भारत के निवासी से, हर एक नागरिक से पूछना चाहूँगा कि क्या कल कहीं किसी चौक चौराहे पर जा रहे हो और कल कोई इन्हीं में से फर्जी तरीके से भर्ती हुआ दरोगा आपको पकड़ के, आप अपने परिवार के साथ हैं, आपको बेइज्जत कर देता है, उस दिन याद आएगा कि कोई तुम्हारे लिए 100-200 एक ऐसे लोग थे जो भूखे प्यासे गर्मी में तुम्हारे लिए मर रहे थे कि ऐसे कमीने लोग चौक चौराहों पर उस पवित्र वर्दी को पहनकर। विवेक सर जिंदाबाद, बोल 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 जिंदाबाद, विवेक सर जिंदाबाद, विवेक सर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, विवेक सर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो विवेक सर हम तुम्हारे साथ हैं। इसके समाज का नाम गंदा ना करें, तब तुम्हें याद आएगी कि काश हमें वहां पर होना चाहिए था। ये भर्ती 2 स्टेज में, शुरुआत से टेंडर से लेकर एग्जाम सेंटर तक, इस भर्ती में हाई लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा, और इतनी ज्यादा चुप्पी उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुई होगी। 2017 का वो समय था, केवल एक जगह ऑनलाइन लीक हुआ था, केवल एक जगह एक फोटो आया था। भर्ती प्रक्रिया को रोककर पूरी जांच हुई तो पता चला कि हर एक सेंटर यूपी एसटीएफ, अमिताभ यश उस समय एसटीएफ को लीड कर रहे थे। अभी किसी गूगल पे डाल के आपको 10 अखबारों की कटिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से संगठित रूप से इसे संगठित गिरोह, हर एक, अगर आप कोई पुलिस वाले होंगे तो उनसे पूछिएगा कि जो संगठित गिरोह होते हैं उनकी हिस्ट्री शीट बनती है पूरी। इन्होंने पूरे संगठित तरीके से लेकर टेंडर से और भर्ती के एग्जाम सेंटर तक, एग्जाम डेट तक, उसके बाद रिजल्ट और डीवी पीएचटी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, हर एक चरण में जबरदस्त लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। हम तो भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तुम्हारी सीट खाने नहीं बैठे हम, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की, मेहनत की सीट दिलाने बैठे हैं। शर्म की बात इतनी है कि हम लोगों को बैठना पड़ रहा है जिसके ऊपर जिसका कोई कहीं तक मतलब नहीं बनता, किसके लिए कि तुम्हें मेहनत करना सिखाया था उसके लिए। विवेक सर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, विवेक सर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो विवेक सर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग आस पड़ोस के भी हजारों लोग होंगे जो इससे पीड़ित होंगे, लेकिन तुम में से कोई अपने हक की आवाज उठा रहा, हमें खुशी रहेगी, हमें गर्व रहेगा कि हमने जो पढ़ा किताबों में बचपन से, उन संवैधानिक अधिकारों की जाकर हमने मांग की। हमें गर्व रहेगा कि हमने जो भगत सिंह, सुखदेव, आजाद जी, इनकी कहानियों को पढ़ के सीखा, बाबा साहब के संघर्ष को देखकर जो हमने सीखा, महात्मा गांधी जी के संघर्ष को देखकर जो सीखा, उससे अपने जीवन में जिया। मरेंगे तो आत्मा आराम से आंखें मिलाकर बात कर पाएगी, ना कि उन भेड़ियों की तरह जो चोरी से करके उस पवित्र वर्दी को धारण करना चाहते हैं। एक बार फिर से याद दिला दें, एक भी भर्ती नहीं होगा जिसने भी चोरी की है, यहीं मर जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा तुम में से एक को भर्ती नहीं होने देंगे। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, बेहजाई फैली हुई है। अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? आज मट्टी के ऊपर है, कल मट्टी के नीचे होगा। अरे सांप खाएंगे, बिच्छू खाएंगे। चाहे तुम मेरे कार्यालय पर धरना दे दो, चाहे तुम जेल तो जाओगे ही जाओगे अलग से, अगर तुमने किसी प्रकार से फिजिकल कुछ भी करने की कोशिश की, तुम में दम है तुम भी जाओ, कहो जाके खुलेआम कि हमने चोरी की, हमें जाने दो, हमें भर्ती हो जाने दो। और ये दम नहीं है कहने का तो हक नहीं है तुम्हारा चोरी से सीट लेने का। अब ये बच्चे यहाँ पे खूब, ऐसी संख्या कम नहीं है, इतनी 48 डिग्री 47 डिग्री अगर टेम्परेचर में यहाँ पर एक बच्चा भी बैठे ना
तो समझना वो किसी शेर का जना बच्चा है, वो किसी गीदड़ का नहीं है। आधार पे यहाँ पे खड़े होंगे, भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें वही अधिकारी शामिल है जिन अधिकारी को जांच का अध्यक्ष मैंने चोरी की और मुझे को चार्ज दे दिया गया कि जाके जांच कर कि तूने चोरी किया नहीं किया, तो क्या कभी मैं खुद की चोरी पकड़ पाऊंगा? अरे तो कोई अंधबुद्धि व्यक्ति भी जानेगा कि खुद कोई चोर अपनी चोरी नहीं पकड़वाता, चोर खुद चोरी की बात बता देता तो पुलिस की जरूरत क्या थी? और बड़े से बड़े अधिकारी और इसमें हो सकता है बड़े से बड़े नेता भी शामिल हों। और इसका शाम 5 बजे हम लोग पर्दाफाश करेंगे। आप ये जितना भी जहां भी जिस भी चैनल वीडियो पे आप देखो सब लोग शेयर करना, अहम बात, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा, ये तुम्हारी ही लड़ाई है, मतलब कि ये सबसे ऊपर हो आज, ये चीज आज भारत में सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये मूल अत्याचार है, न कि दूसरी बात। उसको सुनिएगा, उन सबूतों को देखिएगा, कोई आपका प्रेस में हो, कोई आपका मीडिया में हो, तो उनसे जरूर कहिएगा कि वो आज शाम 5 बजे हमारे यहाँ के इको गार्डन में धरना स्थल पर, वो हमारी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पर्दाफाश भ्रष्टाचार, ये लोग जरूर देखें। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इसमें साथ हैं और अपने माँ बाप से एक बार बात कीजिए और मेरी बात उन्हें उन्हें सुनाइए। ये आप सिर्फ इतना नहीं है कि आप पैसा देके अपनी जमीन जायदाद बेच के कर्ज लेके पैसा देके बच्चों को पढ़ने भेज दें, किताब कॉपी ला के दे दें, केवल यहाँ से आपका फर्ज पूरा नहीं होता। अन्याय हुआ है साफ साफ, ईमानदारी का दम भरने वाली सरकार में कहो घोर अन्याय। इतना अन्याय कि रात को 12 बजे 10 महिलाएं 50 लड़कों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आतंकवादी नहीं थे, आज शांति से, इतनी शांति से तो आज तक इसी को गार्डन में कोई धरना नहीं हुआ होगा। इससे ज़्यादा तो अशांति नेता अपनी रैली में फैला देते हैं। हमें चुप बैठे थे, आराम से बैठे थे, 12 बजे उठा के भगा दिया। हम भी यहाँ, अगर मैं कह रहा हूँ, चुनौती देता हूँ पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को, हर एक IPS IAS को, जो माइकल लाल आज गलत साबित कर दे मांग को, आज उड़ जाएंगे शाम को। या तो हमें गलत साबित कर दो या फिर हमें ऐसे उठा के मत भगाओ। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग कल यहाँ चाहिए इको गार्डन, समझे मेरी बात? और